हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बरबटी की सब्जी, इसे बीन्स भी बोलते हैं। आपने तो कई बार बनाया होगा आलू बीन्स की सब्जी, लेकिन एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। जो बीन्स नहीं खाते हैं वो भी खाने लग जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बरबटी की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, बरबटी है ये 250 ग्राम है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू लिया है, ये मैंने 4 आलू लिए हैं जिसे मैंने बारीक कट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से इसे मैंने धो करके वॉश कर लिया अच्छे से। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 प्याज ली है बड़ी, और ये मैंने 3 टमाटर लिए। टमाटर हमें इसमें ज़्यादा ही डालना है। और ये देखिए मैंने 1 पोटी लहसुन और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया। अब इसमें तेल लिया है सरसों का 1 कटोरी। आप जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं वो डालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है खड़ा, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्याज को हल्की गुलाबी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज जो है ये हल्की गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें सबसे पहले ये आलू ऐड करेंगे। आप इस तरह से एक बार सब्जी जरूर ट्राई करिएगा। जो भी बीन्स बरबटी नहीं खाता है वो इसे जरूर खाएगा। आप मेरी तरीके से एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आलूओं को अब हमें तेज फ्लेम में ही अच्छे से फ्राई करना है। इसे धीरे में मत पकाइएगा बिल्कुल भी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आलू है ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बीन्स डालेंगे। और इसे भी हमें तेज करके गैस को अच्छे से फ्राई करना होगा। और अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी और नमक, इसमें हम गरम मसाले का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे फ्रेंड। आप ऐसे ही बनाइएगा, आपको ऐसे ही ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी। जो बरबटी है बीन्स, ये अच्छे से फ्राई हो गई। इसमें देखिए तेल नजर आने लगा है, ये अच्छे से फ्राई हो गई। और अब हम इसमें, ये देखिए, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें हम कोई भी गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे। और ये मैंने 3 टमाटर लिए थे जिसे मैंने चॉप कर लिया था, इसमें इसे ऐड करूंगी। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का। अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। इसमें गरम मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। और इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसका फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जो ये टमाटर हैं इसी के पानी में ही लहसुन अदरक के साथ ये अच्छे से पक जाएगी बीन्स और आलू। इसे हमें एकदम स्लो करके ढक करके पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा, ताकि जो बीन्स है वो पक जाए और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। आप इसमें ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब हम इसे ढक करके पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को खोल के देखेंगे। ये देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं और बीन्स भी।
हमें आलू को चेक करना होगा ये गले हैं कि नहीं। हल्के से आलू, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं गैस को तेज कर दूंगी। आलू जो है वो गल गए हैं, हल्की सी इसमें कसर है आलू में बस। और अब हमें इसे तेज करके भूनना होगा, इसे अच्छे से फ्राई करना है सब्जी को। ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए इसमें हमने मसाला भी नहीं डाला है। और ये देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू और बरबटी की सब्जी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिए।